डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, लोहिया कॉलेज चुरू। आज इवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आइसोलेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इवोल्यूशन की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। Isolation in evolutionary term means segregation of different populations into smaller units by certain mechanisms so as to prevent interbreeding among individuals. जंतुओं का आपस में इस प्रकार से पृथककरण होना कि उनके बीच में interbreeding हो ही ना सके, उसी को अपन isolation कहते हैं। जंतुओं का आपस में पृथककरण होना वो है isolation कहलाता है। बायोलॉजी की भाषा में अपन अगर जाने तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग एनी जेनेटिकली कंडीश्ड इम्पीडमेंट और ऑब्स्टेकल टू जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशंस। जेनेटिक्स की भाषा में अपन अगर कहें, बायोलॉजी या जेनेटिक्स की भाषा में कहें, तो कोई भी अवरोधक जो कि जीन का फ्लो रोकता है, पॉपुलेशंस के बीच में जीन एक्सचेंज को रोकता है, उसी को अपन आइसोलेशन कहते हैं। थियोडोर जोबजेंस्की ने ये टर्म है जो पॉइंट प्रतिपादित की थी, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म टर्म है वो, डोबजेंस्की ने प्रतिपादित की, और उसने आइसोलेशन को दो भागों में बांटा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑपरेटिंग इन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन और एलोपैथिक स्पीसीज, जिन स्पीशीज के बीच में ऑलरेडी ज्योग्राफिकल बेरियर्स हैं या आगे बन जाते हैं, उनके अंदर जो आइसोलेशन होता है वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहलाता है। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है जंतु में फिजिकल बेरियर ना होते हुए भी अगर ब्रीडिंग हो गई और फिर वो ब्रीडिंग अगर सक्सेसफुल ना हो, फिर भी उनके अंदर आइसोलेशन बना रहता है, तो वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये जो आइसोलेशन है वो क्लासिफाई किया गया है मैकम्स के द्वारा। मैकम्स का क्लासिफिकेशन है, उसने दो में डिवाइड किया, एक तो प्री मेटिंग मैकेनिज्म है और एक है पोस्ट मेटिंग। प्री मेटिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। आइसोलेशन मैकेनिज्म विच प्रिवेंट इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेज, यहाँ पर इंटरब्रीडिंग नहीं होती है। तो वो कौन कौन से माध्यम है, पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट, ये पांच जो मेथड दिए गए हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंसेज, क्लाइमेटिक आइसोलेशन, सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन, हैबिटेट और इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ये पांचों किस में आता है, पोटेंशियल मेट डू नॉट मीट। ये इन अवरोधकों की वजह से, इन बैरियर की वजह से जंतु आपस में मिल ही नहीं पाते और उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो पाती है। सेकेंड है पोटेंशियल मेट मीट बट डू नॉट मेट, यहाँ जंतु आपस में मिलते तो हैं लेकिन वो मेटिंग नहीं कर पाते हैं, वो इथोलॉजिकल आइसोलेशन कहलाता है। थर्ड आता है कॉपुलेशन अटेम्प्टेड बट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे जंतु के बीच में कॉपुलेशन हो गया बट जो स्पर्म है उनका ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसके लिए दो है, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल। सेकेंड आता है पोस्ट मेटिंग जायगोटिक, पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, इसको जायगोटिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो ये क्या है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विच रिड्यूस द फुल सक्सेस ऑफ इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेज। मान लीजिए प्री मेटिंग मैकेनिज्म है, उनमें अगर जंतुओं के बीच में अगर ब्रीडिंग हो भी गई और उस ब्रीडिंग को वो ब्रीडिंग सक्सेस ना हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोस्ट मेटिंग, मेटिंग के बाद की मैकेनिज्म जो जीन की विनिमय को रोकती है वो पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म कहलाती है। इसमें कई प्रकार के, जैसे स्पर्म आर ट्रांसफर्ड बट एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड, यहाँ स्पर्म ट्रांसफर हो गए लेकिन अंडे फर्टिलाइज नहीं हुए, तो गैमेटिक मोटिलिटी एक एग्जांपल है इसका। एग्स फर्टिलाइज बट जायगोट इनवाइबल, यहाँ अंडे फर्टिलाइज हो गए लेकिन जायगोट इनवाइबल है, उसको कहेंगे जायगोट मोटिलिटी। नेक्स्ट जायगोट प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड ऑफ रिड्यूस्ड वायबिलिटी, यहाँ पे जायगोट बनता है F1 जनरेशन में लेकिन उसकी वायबिलिटी नहीं है, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है हाइब्रिड वायबल, जिंदा है बट पार्शियली और कम्प्लीटली स्टराइल, वो आंशिक रूप से या पूर्णतः क्या है,
बंदे हैं या स्टराइल है, तो उसको अपन कहेंगे हाइब्रिड स्टेरिलिटी। थर्ड आता है रिड्यूसेज वायबिलिटी और फर्टिलिटी इन प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड्स, हाइब्रिड की प्रोजेनी में फर्टिलिटी ना हो या वायबल भी नहीं हो, कम हो, तो वो क्या हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो इस प्रकार से ये पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म है, एक एक को अपन लेते हैं। पहला आता है प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसमें फर्स्ट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, जो जंतुओं की जो पॉपुलेशंस है उनके बीच में फिजिकल बैरियर्स होते हैं, भौतिक अवरोध होते हैं जिससे वो मेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो भौतिक अवरोध कौन कौन से होते हैं, माउंटेन रेंज भी हो सकते हैं, वास्ट डेजर्ट भी हो सकते हैं, थिक फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, डीप ओशन हो सकती है, वाटर बॉडी नदियाँ हो सकती है, लैंड ब्रिजेज, बहुत बड़े लैंड ब्रिजेज भी हो सकते हैं। तो ये बैरियर्स क्या करते हैं, जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन होता है उसको रोक देते हैं, एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द टू पॉपुलेशन रिड्यूसेस द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन देम, और उनके बीच की इंटरमिंगलिंग को रोकते हैं जिससे जीन का जो विनिमय है, एक्सचेंज है, वो नहीं होता है और जंतु एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, और एक लंबे समय बाद में दोनों जो सब पॉपुलेशन है वो एक अलग सेपरेट यूनिट बनाती है। अब ये जो फिजिकल बैरियर्स है इसकी डिस्टिंक्टनेस किस पे डिपेंड करती है, कि बैरियर कितना इफेक्टिव है और जो जंतु उस बैरियर की वजह से सेपरेट हुए हैं उनका समय कितना है, ज़्यादा समय है तो ज़्यादा उसमें सेपरेशन रहेगा, डिग्री ऑफ माइग्रेशन कितना उसमें अंदर जंतु आए और अंदर से बाहर आए, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि फिजिकल बैरियर कितना कामगर है या नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, ड्रोसोफिला की यहाँ दो स्पीसीज है, एक है पर्सोनाइट्स, एक है ड्रोसोफिला ऑब्सक्यूरा, चूडो ऑब्सक्यूरा। ये एक हाई अल्टीट्यूड पे रहती है और एक है लो अल्टीट्यूड पे रहती है, ये हाई अल्टीट्यूड पे और ये लो अल्टीट्यूड पे रहती है, तो इनके बीच में एक तरीके से फिजिकल बैरियर बना रहता है और ये आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करती है। दूसरा है आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। तो इस प्रकार का जो डिस्टेंस है, जो आइसोलेशन है, वो किस में होता है, उन जंतुओं में ज़्यादा होता है जिनमें मोबिलिटी कम होती है, जो एक ही स्थान पर रहते हैं, तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते हैं, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने में उनको वो नहीं जा पाते हैं, और इसलिए आपस में उनकी इंटरब्रीडिंग नहीं होती है और एक बहुत लंबे समय जा करके और वो है वो अलग स्पीशीज बना लेते हैं अलग अलग। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है कि नॉर्थ अमेरिका के जो होलार्टिक रीजन के अंदर जो मेमल्स पाए जाते हैं वो पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाते और उन एक फिजिकल बैरियर ना होते हुए भी वहाँ पर उनमें आइसोलेशन बना रहता है। तीसरा हैबिटेट आइसोलेशन। बहुत सारे जंतुओं में अपना अपना हैबिटेट होता है, वो हैबिटेट फूड की रिक्वायरमेंट से भी हो सकता है, स्पेस की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, तो हर जंतु की अपनी अपनी हैबिटेट है। फिजिकल बैरियर ना होते हुए भी ये हैबिटेट ही क्या कर रही है, एक फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। और हैबिटेट अलग क्यों होती है, अपन सब जानते हैं कि जंतु का एक अलग टाइप का फूड है तो वो वहाँ रहना पसंद करता है, उसको वैसा किसी को कैसा स्पेस चाहिए, स्थान चाहिए, क्लाइमेट हर एक का अलग 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 होता है। तो ये जो बहुत बड़ा जो एरिया होता है जिसमें खूब सारे जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पर उनकी हर की अलग अलग हैबिटेट होती है, उससे भी उनके बीच में संपर्क नहीं हो पाता है। जैसे माउंटेन ब्लू बर्ड है, ये एक हाई एलिवेशन पर रहता है, और ईस्टर्न जो ब्लू बर्ड है वो लो एलिवेशन को प्रीफर करता है, तो उनके बीच में मेटिंग नहीं हो पाती है। देयरफॉर पोटेंशियल मेट लाइव इन डिफरेंट एरियाज डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर। नेक्स्ट आता है सीजनल आइसोलेशन। अब जंतुओं में ब्रीडिंग का सीजन ही अलग अलग है तो जंतु वैसे ही ब्रीडिंग नहीं करेंगे, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, सीजनल आइसोलेशन। सीजन की वजह से आइसोलेशन बना रहता है उनमें, जिससे उनके अंदर ब्रीडिंग नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल इंसेक्ट में, एम्फीबिया में और फिशेज में खूब देखने को मिलते हैं। अब ये पहला एग्जाम्पल दे रखा है जिसे अपन ने बुफो अमेरिकनस, ये रेनी अर्ली रेनी सीजन में ब्रीड करता है जबकि बुफो फाउलरी लेट रेनी सीजन में ब्रीडिंग करता है, तो इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग नहीं हो पाती है। राना का एक एग्जाम्पल और है, रेड लेग्ड फ्रॉग और येलो लेग्ड फ्रॉग। रेड लेग्ड फ्रॉग है वो लेट अप्रैल, नवंबर से लेट अप्रैल में ब्रीडिंग करता है, और ये सेकेंड वाला है वो लेट अप्रैल से जून में करता है, तो इनके ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है इसलिए इनमें ब्रीडिंग नहीं हो पाती है। एक एग्जाम्पल और देख रहा है फ्रूट फ्लाई का अपन ने, ड्रोसोफिला परसिमिलिस और ड्रोसोफिला शूडो ऑब्सक्यूरा। तो ये मॉर्निंग में, पहली वाली है वो मॉर्निंग में ब्रीड करती है और ये आफ्टरनून में करती है, तो यहाँ पर भी
सीजनल आइसोलेशन पाया जाता है, इथोलॉजिकल आइसोलेशन। जंतुओं में मेटिंग करने से पहले एक अपना हर जंतु का एक स्पीशीज स्पेसिफिक पैटर्न बिहेवियर होता है, जिसको कर्टसी बिहेवियर बोलते हैं। वो बिहेवियर अगर जंतुओं का अलग अलग है, एक स्पीशीज का अलग दूसरी स्पीशीज का अलग होता है, और दो डिफरेंट स्पीशीज अगर आपस में मिलती है तो फिर उसके अंदर इस प्रकार से मेटिंग नहीं हो पाती है, तो वो बिहेवियर आइसोलेशन कहता है। और वो बिहेवियर आइसोलेशन जंतु आपस में एक दूसरे को देख करके विजुअल, एक दूसरे को देख करके विजुअल भी कर सकते हैं और ऑडिटरी भी हो, ये ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, ऑल्फैक्टरी भी हो सकता है, तीनों प्रकार का हो सकता है, चार प्रकार का, टैक्टाइल भी हो सकता है। तो जंतु में इस प्रकार से आपस में खूब सारे बिहेवियर के पैटर्न पाए जाते हैं। तो जंतु जो कर्टसी बिहेवियर करता है वो अलग अलग, जैसे विजुअल स्टिमुलाई है, जैसे बर्ड्स में देखते हैं अपन खूब सारे, जैसे पीकॉक है, पिजेंट्स है, पैराटाइज है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रीडिंग से पहले डांसिंग की जाती है, मेल बर्ड्स के द्वारा फिदर का डिस्प्ले किया जाता है और डांसिंग किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से फिदर का शेप और उसका कलर और उसका डिस्प्ले, वो हर स्पीशीज का अपना एक यूनिक होता है, जिससे वो उसको है वो अट्रैक्ट करते हैं, दूसरी स्पीशीज उससे वंचित रहती है। कलेक्शन ऑफ, अब जैसे वीवर बर्ड का एग्जांपल है ये, तो वीवर बर्ड का अपना नेस्ट का मटेरियल भी अलग होता है और उसको बनाने का एक तरीका भी अपना अलग है। तो वो उसको बनाते हुए और उसकी बड़ी हुई शेप की वजह से उसी जाति के जंतु है वो बर्ड्स है उससे अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा उससे अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। सॉन्ग बर्ड्स, जैसे ये ऑडिटरी स्टिमुलाई है, जैसे आवाज़ निकालना, तो जैसे कोको में देखा अपने, मैना है, नाइट गल्स हैं, पैराकिट्स हैं, तो इनमें क्या होता है, बर्ड्स वो है क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, जिससे वो अपोजिट सेक्स को है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बार तो ये भी देखा गया है कई पक्षियों में बहुत दिनों तक आवाज़ निकालने के बाद में भी है वो एक दूसरे के पास में आते हैं, मेटिंग करते हैं। ऑडिटरी स्ट्रीम का दूसरा एग्जांपल है कि ये फ्रॉग्स में, टोड्स में, सिकाडा में, गिबन्स में, मंकी में, इनमें भी खूब सारा ऑडिटरी कम्युनिकेशन का एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है। केमिकल सुगंध के द्वारा, जैसे मस्क डियर है, तो मस्क डियर का एक जंतु दूसरे जंतु को अपनी जो सेंट ग्लैंड होता है उससे जो स्रावित करता है फिरोमोन से, या जो भी सुगंधित पदार्थ स्रावित करता है, उससे अपोजिट सेक्स है वो अट्रैक्ट होता है। लेपिडोप्टेरा के अंदर ये खूब सारे एग्जांपल मिलते हैं। लेपिडोप्टेरा की जो फीमेल होती है वो फिरोमोन सिक्रेट करती है, और वो फिरोमोन मेल को 2 किलोमीटर की दूरी से भी आकर्षित कर लेती है। तो ये हो गया केमिकल स्टिमुलाई, जिसके द्वारा वो एक, मतलब कहने का मतलब है कि इसे इथोलॉजिकल बिहेवियर के अंदर जंतु कर्टसी बिहेवियर जो करते हैं, उस कर्टसी की जो स्पीशीज है, जो है पैटर्न है, उसका डिस्प्ले है वो अलग अलग होता है, जिससे जंतु सेपरेट बने रहते हैं। मैकेनिकल आइसोलेशन, यहाँ क्या होता है कि जंतु की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हर स्पीशीज में अलग अलग होती है, तो यहाँ पर एनाटॉमिकली ये स्ट्रक्चरली क्या होता है, ये इनकम्पेटिबल होते हैं, तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होता है। जेनिटेलिया की संरचना अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है, जिससे वो क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे डॉग्स में अपन देखते हैं बहुत सारी वैरायटी के डॉग्स हैं, मेल और फीमेल की साइज भी डिफरेंट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं बट कॉपुलेट नहीं कर पाते, तो इनमें आइसोलेशन बना रहता है। इसी तरीके से ये स्नेल का उदाहरण है, राइट हैंडेड स्नेल है, वो लेफ्ट हैंडेड स्नेल्स के साथ में कॉपुलेट नहीं करता है। सेकेंड आता है पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म, ये सेकेंड लाइन है अपनी। अगर ब्रीडिंग हो भी गई तो इन मैकेनिज्म के द्वारा वो ब्रीडिंग आगे सक्सेसफुल नहीं होती है। सक्सेसफुल ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जंतु अपनी संतान को पैदा करे और वो संतान फिर आगे संतान करने में सक्षम हो, तो उसको अपन सक्सेसफुल ब्रीडिंग कर कहते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट मेटिंग में क्या होगा, अगर मेटिंग भी हो गई तो भी वो आगे उसमें अवरोध बना रहता है, आइसोलेशन बना रहता है। गैमेटिक मोटिलिटी, ये क्या कहता है, मेटिंग एंड स्पर्म ट्रांसफर टेक्स प्लेस बट एग इज नॉट फर्टिलाइज, यहाँ मेटिंग हो जाती है लेकिन अंडे का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यहां पे स्पर्म क्या करता है, स्पर्म फेल टू फर्टिलाइज द एग लीडिंग टू गैमिट मोर्टिलिटी, स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज नहीं करता है तो गैमिट है वो मर जाता है। तो ये एग्जांपल दिया, जैसे बुफो फाउलरी और बुफो वेलिसेप्स,
इन दो स्पीशीज में क्या होता है, जो मेल का जो गोनेट काम नहीं करता है, मेल के जो गोनेट्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल है, बट वो फीमेल को अटैक करते हैं और उस अट्रैक्शन की वजह से फीमेल अंडे देती है पानी के अंदर, और वो अंडे पेरिस खत्म भी हो जाते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, क्योंकि मेल का गोनेट्स है वो नॉन फंक्शनल है। इथोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से कर्टशिप जो है वो शो हो गई आपस में, उनमें अंडे नहीं, स्पर्म नहीं देने की वजह से वो अंडे वो पेरिश हो जाते हैं, तो एक आइसोलेशन बना रहता है। इसी तरीके से सी अर्चिन का एक एग्जाम्पल है। तो सी अर्चिन में क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, उनमें जो मेल है का जो स्पर्म है वो लाइसिन प्रोटीन स्रावित करता है, और वो लाइसिन प्रोटीन है वाइटिलिन मेम्ब्रेन को डिजोल्व करता है और फिर वो अंदर जाकर के स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, तो इसकी वजह से वो अपनी जाति के दूसरे अंडे को, एग को है वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, नहीं बाकी को नहीं कर सकते। गैमेटिक मोटिलिटी अपने को इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलती है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेटिंग हो भी गई तो फीमेल की जो केनाल है उसके अंदर एंटीजेनिक रिएक्शन होती है और स्पर्म है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है अपने पास में ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला अमेरिकाना, विरिलिश और मोन्टाना, इनमें यह देखा गया कि स्पर्म है वो मोबिलाइज हो जाते हैं, किल्ड किए जाते हैं, उनको खत्म हो जाते हैं। जाइगोट मोटिलिटी, यहाँ क्या एग बन जाएगा लेकिन जाइगोट है वो डेवलप नहीं होगा, दो स्पीशीज के बीच में अगर क्रॉस हो गया तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा लेकिन जाइगोट है वो आगे डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उनमें परफेक्ट मैचिंग, क्रोमोसोम में परफेक्ट मैचिंग नहीं होती है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है वो चेक हो जाता है, तो जाइगोट मोटिलिटी। ये एग्जाम्पल अपने को फिशेज में बहुत ज़्यादा मिलता है, वो अपने अंडे देती है, खूब सारे ग्राउंड के ऊपर अंडे देती है, लेकिन जाइगोट फेल टू डेवलप ड्यू टू डिफरेंस इन क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्रोमोसोम में डिफरेंस होने की वजह से आइसोलेशन बना रहता है। हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, यहाँ देखिए हाइब्रिड एम्ब्रियो फॉर्म, हाइब्रिड यानी दो बीच, दो के बीच में, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस हुआ, इसका मतलब हाइब्रिड बना, तो हाइब्रिड एम्ब्रियो तो बन गया लेकिन रिड्यूस वायबिलिटी, उसकी जिंदा रहने की संभावना बहुत कम होती है। ये डक्स में एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या है, हाइब्रिड तो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन वो जो रिड्यूस है उसकी जो वायबिलिटी है वो बहुत कम होती है, फिजिकली वो वीक होते हैं, इनवायबल होते हैं ड्यू टू फिजिकल डिस्टर्बेंसेज। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड स्टेबिलिटी। अब मान लीजिए यहाँ पर हाइब्रिड बन भी गया, जिंदा है, हाइब्रिड वाइबल बट रिजल्टिंग अडल्ट इन स्ट्राइल, हाइब्रिड जिंदा है लेकिन वो स्ट्राइल है, बंदे है, आगे संकरण नहीं कर सकता, आगे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बना सकता, तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो यहाँ किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम एंड डिफरेंट जीन अरेंजमेंट की वजह से, डिफरेंट स्पीशीज में क्रोमोसोम का अलग अलग होना, अरेंजमेंट अलग होने की वजह से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हॉर्स है, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, तो इसे म्यूल बनती है लेकिन आगे वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेरिलिटी का, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स ही नहीं, तो ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये किस वजह से होता है, फेलियर ऑफ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एट म्यूसिस और अबनॉर्मलिटीज लाइक फॉर्मेशन ऑफ फ्यूज स्पिंडल और फेलियर ऑफ सेल डिवीजन इन द स्पर्मेटोसाइट्स और डिसहारमोनियस इंट्रैक्शन ऑफ जीन की वजह से ये होता है। एक एग्जाम्पल हो रहा है, देखिए मेल टाइगर और फीमेल लॉयन, तो इससे क्या होगा, दोनों स्पीशीज अलग अलग है, क्रॉस हो गया लेकिन जो बना है वो क्या बनता है, टाइगर, मेल लॉयन फीमेल टाइगर, तो क्या बना, लाइजर। तो इनमें भी क्या है, इनमें भी हाइब्रिड बन गया, वाइबल भी है बट स्ट्राइल है, तो इसका मतलब आइसोलेशन बना हुआ है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड वाइबल फर्टाइल बट फर्दर हाइब्रिड जनरेशन में भी इनवाइबल और स्ट्राइल, यहाँ क्या, फर्स्ट जनरेशन जिंदा रहेगी, वाइबल रहेगी, फर्टाइल भी होगी, लेकिन जब वो फर्स्ट जनरेशन है वो जब अपनी बैक क्रॉस करेगी, अपने पेरेंट्स से जब क्रॉस करेगी, तो उसके बाद में जो जंतु बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा और वो भी आगे सक्षम नहीं होता है। तो ये एग्जांपल देखो, ड्रोसोफिला ऑब्सक्यूरा, सुडोब्सक्यूरा और ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, इनसे जब एक तो स्टाइल मेल बनता है, तो ये तो स्टाइल मेल हो गया, बात यहाँ ही खत्म हो गई, फिर ये फीमेल स्टाइल है, इसका मतलब ये फर्टाइल है,
लेकिन ये फर्टाइल जब अपने पेरेंट्स से करती है, इससे करती है या फिर इससे, तो अपने यहाँ पर पेरेंट्स देखा है तो क्या बनेगा, हाइब्रिड वीकर देन पेरेंट एंड F1 हाइब्रिड। तो सम्स इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स आर पार्शियली और कंप्लीटली फर्टाइल इन वन और बोथ सेक्सेस, बट हाइब्रिड ब्रेक डाउन मे अकर इन सेकेंड और बैक क्रॉस जनरेशन। तो इसको हाइब्रिड ब्रेक डाउन, हाइब्रिड बन गया उसका सेकेंड जनरेशन के अंदर फिर ब्रेक डाउन। ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अब इनका जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसके लिए दो मत दिए गए, एक तो मूलर्स व्यू है, मूलर्स की थ्योरी है, और एक डोबजेंस की है। मूलर्स की थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है फिजिकल बैरियर्स की वजह से वो खूब सारी सब पॉपुलेशन में डिवाइड होती है, और वो खूब सारी पॉपुलेशन एक उनमें नए जो है वो एक नए इवोल्यूशनरी प्रेशर के कॉन्टेक्ट में आती है। जब वो सब डिवाइड हो गई फिजिकल बैरियर की वजह से, अगर खूब सारी पॉपुलेशन अलग अलग बन गई तो उनमें हर एक में वहाँ की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग म्यूटेशन प्रेशर लगेगा, सिलेक्शन प्रेशर लगेगा, इवन जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टू रिवोल्यूशनरी प्रेशर लगेगा, तो इन जंतु को नए इन्वायरमेंट के अंदर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और एक इंडिपेंडेंट सब पॉपुलेशन बनने को उस एनवायरमेंट में तैयार हो जाती है, और धीरे धीरे उनमें इतनी अडेप्टेशन आ जाती है कि वो उनमें जेनेटिक रीशफलिंग होता है और एक अपना जेनेटिक रिकॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और जिससे आगे जाकर के एक नई जाति बनती है, वो सिम्पाट्रिक पॉपुलेशन का स्टेब्लिशमेंट होता है, एक जगह पर रहने वाली पॉपुलेशन को सिम्पाट्रिक बोलते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल बैरियर की वजह से और अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल करके जंतु, और फिर इस तरीके से एक नई जाति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ओरिजन है। नेक्स्ट आता है डोबजेंस्की का। डोबजेंस्की कहता है कि भी ठीक है, क्रॉस हो गया, हाइब्रिड बन गया, लेकिन वो हाइब्रिड वीक बनता है, स्टाइल बनता है, इन्वायरमेंट बनता है, लेस अडेप्टेड होता है नए इन्वायरमेंट के प्रति, अपने पेरेंट से कमज़ोर होता है, और नेचर क्या कर देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट फेवर हाइब्रिडाइजेशन एंड इस्टेब्लिश रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशंस। Therefore, it can be concluded that pre-mating ones are induced by natural selection, whereas post-mating isolation mechanism arise mainly as by product of genetic divergence. Conclusion में अपन ये कह सकते हैं जो pre-mating isolating mechanism है वो natural selection के द्वारा फेवर की जाती है, उसकी वजह से होती है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर में बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स है, डिस्टेंस की वजह से है, सीजनल है, हैबिटेट आइसोलेशन है, मैकेनिकल आइसोलेशन है, और पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म आर अराइज मेनली एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्जेंस की वजह से पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन आते हैं। एक अलग थ्योरी और है, अनोदर व्यू है, ये मेयर ने दिया था, मेयर ने, उसका नाम है मल्टीपल जीन हाइपोथेसिस और मल्टीपल एलील कॉन्स्टिट्यूशंस, एलील सब्स्टिट्यूशंस। ये थ्योरी ये कहती है कि जब म्यूटेशन होता है तो एक में नहीं होकर कि एक से ज़्यादा जीन्स में होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी कम्प्लीमेंट्री जीन बनती है, और जिसकी वजह से एक बहुत सारी कम्प्लीमेंट्री सिस्टम, बहुत सारी कम्प्लीमेंट्री जीन बनती है, और उनसे जाकर के आगे एक नई पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश में हम स्थापित होने में मदद मिलती है। रोल ऑफ आइसोलेशन इन इवोल्यूशन, तो ये अपन पहले भी कह चुके हैं कि आइसोलेशन का इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइसोलेशन वो नींव की रीढ़ है जिसकी वजह से जंतु, ठीक है, आइसोलेशन के लिए अपन ये सब जानते हैं कि सबसे पहले जंतु में वेरिएशन आना उत्पन्न होता है, जरूरी है, लेकिन उन वेरिएशन जिस जंतु में आ गया वो वेरिएशन लिए हुए वो जंतु अगर उसी एक स्थान के ऊपर है तो वो उसी पेरेंट से क्रॉस करेगा, पेरेंट से क्रॉस करेगा तो जो करेक्टर आया है नया उसका डाइल्यूशन हो जाएगा। इसलिए जिन जंतुओं में वेरिएशन उत्पन्न हुआ है उन जंतुओं को अपन अगर आइसोलेट कर देते हैं एक स्थान से, अगर दूसरी स्थान पे अगर उनको ले जाते हैं तो ही इवोल्यूशन की प्रक्रिया है वो आगे संपन्न होती है, और एक लंबे समय बाद में जब वो सेपरेट रहती है पॉपुलेशन तो धीरे धीरे जाकर के अपना एक इवोल्यूशनरी पाथ बनाती है और अल्टीमेटली एक सेपरेट यूनिट में जाकर के कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से ये इवोल्यूशन के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आइसोलेशन का। थैंक्स।